नमस्कार, मैं हूँ विनोद बंसल और आप देख रहे हैं जन उदय। आइए बात करते हैं कुछ खबरों की। दिल्ली में सोमवार की रात एक फ्लाईओवर का एक पोल एक टेम्पो के ऊपर जा गिरा, जिसमें सो रहे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जाता है कि पिछले 10 साल से इसका निर्माण चल रहा था, लेकिन 4 साल पहले ही इस निर्माण को रोक दिया गया। लकड़ी के फट्टे के ऊपर यह जो एक पोल था वह टिका हुआ था, लेकिन नियंत्रित होकर यह एक ट्रक के ऊपर जा गिरा, जिसमें सो रहे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पंजाब बाग इलाके मेन ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मंगलवार सुबह हुए इस हादसे में मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव के कार्य में लग गई। यह हादसा 9:30 बजे के करीब हुआ है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ब्रिज को 2014 से काम बंद करा दिया गया है। ब्रिज का एक हिस्सा आज सुबह अचानक 4 ट्रकों पर गिर गया। हादसे में अशोक पार्क निकट माता मंदिर निवासी राम बहादुर की मौत हो गई। वह मूल रूप से फतेहपुर उत्तर प्रदेश के थे। वह रात में ट्रक की पार्किंग में चौकीदारी का काम करते थे। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। छोटेलाल जी, ये जो डब्बा है ये आपका भाई था? ये भाई था साहब, हमसे छोटा था। यहाँ क्या करता था? ये ट्रांसफोर है ना, इसी में ड्यूटी करता था। अच्छा, गाड़ी की। तो ये कितने दिन से काम चल रहा था, क्या था इसका? ये काम तो साहब हो गए 15-16 साल हो गए हम यहाँ गार्ड की ड्यूटी करते हैं। ये लोकल करता थे ट्रांसफोर में, हम रेलवे की तरफ से करते हैं, जो पीछे कंपनी है वहाँ रहते हैं। ये गार्ड की यहाँ ड्यूटी कर रहा था, यहाँ बैठ कर आए। क्या नाम था भाई का? राम बहादुर। कितने समय से कर रहा था गाड़ी? इनके हो गए करीबन 1.5-2 महीना हो गए, 1.5-2 महीना हो गए। जो डेड बॉडी थी उसका नाम है राम अवतार सनोप श्री, राम बहादुर सनोप श्री राम अवतार। ये बिंद की तहसील है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर यूपी का था। गंगोत्री कंपनी में काम करता था, गार्ड की ड्यूटी करता था। यहाँ पुल गिरने पर गाड़ी में सो रहा था, उसमें दब गया, तो हमने उसको स्प्रेडर का यूज़ करते हुए उसको स्प्रेड से स्प्रेड किया, उसके बाद बॉडी को निकाल के और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। इस टोटल ऑपरेशन में 20 मिनट लगे ओनली। सर अभी और कोई डेड बॉडी मिलने की आशंका है? अभी कोई डेड बॉडी नहीं है, हमने सब चेक कर लिया। सर कब जानकारी मिली थी, कितने बजे की कॉल थी सर? हमारे को अब से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले जानकारी मिली थी। उसके बाद हम वहाँ से तुरंत निकल गए, हमारी टीम 5 और 20 मिनट हम यहाँ पहुँच गए थे। कितने ट्रक उसके नीचे दबे हुए? 3। अब ये तो 3 ही लोग आप देख ही रहे हो, सभी 3 ही है और ज़्यादा नहीं है कुछ भी, बाकी यही था और कुछ। अपना डेजिनेशन बता दीजिए। मेरे साथ इंस्पेक्टर विक्रम सिंह प्लस मैं सब इंस्पेक्टर शब्बीर अहमद और अजय कुमार साहब हम 3। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बनते बनते निर्माण रुक जाते हैं? सरकार भी कहीं ना कहीं इन मामलों में देखा जाए तो कोताही बरतती है। तो काफ़ी पुराना मामला था, 10 साल पहले का ये मामला है। अब तक ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी का क्या गया, एक चिराग बुझ गया और सामने कोई आने को तैयार नहीं है। आप देखते रहे जन उदय, गर्मा गर्म खबरों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.